नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। कपिल पाटिल फाउंडेशन व नगर सेवक सुमित पाटिल के माध्यम से अपने वार्ड के कई लोगों को कई तरह की सुविधाओं के उपलब्ध करा रहे। जब से देश भर में लॉकडाउन हुआ है, तब से कोई ना कोई उपक्रम चालू है। लॉकडाउन में अनाज बांटना, कोरोना के से बचने के लिए कुछ दवाइयाँ, मोदी सरकार के वाला जनधन योजना अंतर्गत बैंक का अकाउंट खुलवाना और अपने वार्ड के अपंगों के लिए कई तरह के मशीन के, उनके रेशन कार्ड केसरी वाले उन्हें पीला बनाकर बीपीएल का उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवा के दे रहे। आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ कार्ड धारकों को कार्ड दिलवाया गया है। आज इस अवसर पर वेमुल वेंकटेशम, ऐश्वर्या, नरेश चिलवेरी, सागर दोनाला, अड्डगट्ल नागभूषणम, बाबू श्रीमल, तुम्मा सत्यनारायण, पोतु गंगाधर, श्रीगादी राजेशम, स्वामी पिटला, पसनूरी श्रीधर, राम साके के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित होकर कई लोगों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम के दृश्य। नरेश चिलवेरी, आज कपिल पाटिल फाउंडेशन तर्फे भिवंडीच्या विकलांग, ज्यांना आपण दिव्यांगही म्हणतो, त्यांना आपण केसरी कार्ड, जे त्यांच्याकडे आता सध्या आहे केसरी कार्ड, त्यांना जास्त मदत व्हावा आणि पुढच्या त्यांच्या जीवनामध्ये मदत म्हणून, काही आर्थिक सहाय्य म्हणून आणि आपले केंद्र सरकारच्या वतीने आलेले सगळे योजना त्यांना परिपूर्णपणे मिळावे म्हणून कपिल पाटील फाउंडेशनच्या वतीने आज श्री नगरसेवक श्री सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये, यांच्या प्रयत्नाने आमच्या या पद्मनगरच्या 17 नंबर वार्डमधील पद्मनगरच्या श्री सुमित दादा पाटील यांच्या कार्यालयातून हे केसरी कार्ड जे वापरतात त्यांच्याकडून ते हे एक्सचेंज करून ते पुढे आम्ही गव्हर्नमेंटला हे विनंती करून हे केसरी कार्ड बदली करून आम्ही त्यांना बीपीएल कार्ड म्हणून हे देण्यात आलेलं आहे। मागील 8 ते 9 महिन्यापासून या कोरोनाच्या काळामध्ये कित्येक गोरगरिबांना कपिल पाटील फाउंडेशनच्या तर्फे पूर्ण भिवंडी नाही तर या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये, पूर्ण एमपीच्या कॉन्स्टिट्युशनमध्ये सगळ्यांना आम्ही कडधान्य वाटपाचा कार्यक्रम केले आहे। तर या माध्यमातून आम्हाला हे पण हेही समजले की कित्येक दिव्यांग आहेत ज्यांना याचा पूर्ण फायदा मिळाला नव्हता आणि तेच उद्देश होऊन तेच आम्ही मनात धरून हे कार्यक्रम करण्याचे योजले होते आणि पुढील आता जे केले 10 ते 15 लोकांना हे मदत आम्ही केले, या पुढेही कोणी असेल त्यांच्या फक्त अपंगत्वाचा सर्टिफिकेट दाखला आणि त्यांचा आधार कार्ड आणि त्यांचे 4 फोटो घेऊन पुढील 15 दिवसाच्या आत खासदार साहेब आपला सुमित पाटील, नगरसेवक सुमित पाटील यांच्या ऑफिसमध्ये पद्मनगरच्या कार्यालयात जमा करावे आणि नारंगी कार्ड ते आम्ही येल्लो कार्ड बीपीएल कार्ड बनवून देऊ त्यांना। आणि असे कित्येक लोक असेही आहेत ज्यांना अजिबात कार्डच नाही, रॅशन कार्डच नाही, त्यांनाही पुढे नियोजन करून ठेवलेलं आहे, त्याचा त्यांचाही विचार केलेला आहे सुमित साहेबांनी। ते पुढील प्रयत्नामध्ये तेही आम्ही करून देणार आहे। फक्त तुम्ही इथे येऊन आपला दाखला, अपंगत्वाचा दाखला आणि आधार कार्ड आणि 4 फोटो पद्मनगरच्या कार्यालयात जमा करून द्यावे। श्री कपिल पाटील फाउंडेशन तरफ सुमित पाटील गारु, निरुपेद कुटुंबाल विकलांगुलను దృష్టిలో పెట్టుకొని అతడు చేసిన కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అందులోపల ఇటువంటి ఆలోచన దృష్టికి వచ్చి వికలాంగుల గురించి ఆలోచన చేసి నిరుపేదలకు కేసరి కార్డు నుంచి బీపీఎల్ కార్డు అనేది ఎల్లో కార్డు పసుపు కాలర్ కార్డు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇటువంటి పేదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము। ఆడు బీమారి వాళ్లకు, వికలాంగులకు సహాయమైన కట్టెలు పట్టుకొని నడిచే బాబది కళ్ళద్దల, అది ఎన్నో అటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఇది బీపీఎల్ కార్డ్ అనేది అతని దృష్టికి తెచ్చిన మన ఫౌండేషన్ తరఫున ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిండ్రు అతనికి। మన కపిల్ పాటిల్ ఫౌండేషన్ తరఫున మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా కూడా చేయాలని ఎదురు చూస్తాను। మా వెనుకబడ్డ తరగతి వాళ్లకు మంచి మంచి పనులు చేస్తున్నాడని ఆశపడుతున్నాం, ఇంకా చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। అతను ఇంకా చేసి మాకు ఇంకా పేరు కాల్చాలని మేము